गुड मॉर्निंग सरकारी सिलेबस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि SSC CGL की वैकेंसी आ रखी है। तो SSC CGL में कुछ पोस्ट ऐसी हैं, कुछ आपके डिजिग्नेशन ऐसे हैं जिसमें आपका मेडिकल एग्जामिनेशन और आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है, जिसे आप फिजिकल टेस्ट कह सकते हो और मेडिकल टेस्ट, ठीक है। तो उनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। और ये जो चरण है ये सबसे अंतिम चरण है। देखिए, मैं थोड़ी सी मोटी बात पहले आपको बता देता हूँ ताकि आपको और आगे दिक्कत ना हो। देखिए, यहाँ पर जो आपका टीयर वन है, ठीक, जब आप ये क्वालिफाई हो जाएंगे, और टीयर वन क्या है, कंप्यूटर पर आपका एग्जाम होगा, ठीक, कंप्यूटर बेस्ड होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। और इसमें जब आप 30% कम से कम नंबर ले आएंगे तब आपको देने को मिलेगा टीयर टू में। जब आप 30% मिनिमम नंबर लेके आएंगे, मैं जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, रिजर्व कैटेगरी को 5% की छूट है इसमें, ठीक है। तो जब आप सेकेंड टीयर जो है ना ये पास कर लेंगे तो आपको टीयर 3 एग्जाम आपको देने को मिलेगा, या आप कह सकते हो स्टेज 3 आपको देने को मिलेगा। और जब आप इसमें 30% नंबर ले आएंगे तब आपको टीयर 4 देने को मिलेगा। और जब आप इसमें, ये सिर्फ जो टीयर 4 है आपका, ये सिर्फ एक स्किल टेस्ट है, कंप्यूटर आपका, कंप्यूटर के नॉलेज वगैरह के बारे में आपका देखा जाएगा, और इसमें आपका कुछ खास नहीं है, ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का, बस आपको क्वालिफाई करना है और इसमें कुछ खास नहीं। लेकिन जो आपका टीयर 1 है, टीयर 2 है और टीयर 3, इन तीनों के नंबर जोड़ के फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वैकेंसी ऑफ SSC CGL, इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो जब आपका ये टीयर 4 हो गया, स्किल टेस्ट वगैरह कंप्यूटर का ज्ञान आपका चेक हो गया, फिर इसके बाद बात आएगी आपके फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड की। ये हर पोस्ट के लिए नहीं है, कुछ पोस्टों के लिए। अब वो देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए। अगर आप जा रहे हो इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए, ठीक है, इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए जा रहे हो, किस डिपार्टमेंट में, सेंट्रल एक्साइज में, एग्जामिनर में, प्रिवेंटिव ऑफिसर्स में, या इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर इन CBN में। अगर आप ये डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रहे हो तो आपका क्या फिजिकल स्टैंडर्ड है उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। आपके जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, हम सिर्फ पहले यहाँ चर्चा करेंगे मेल कैंडिडेट के बारे में, और जो SSC CGL की वैकेंसी, इसमें पुरुष एवं महिलाएं दोनों बराबर भागीदारी से अपना फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ बॉयज भरें या गर्ल्स भरें, दोनों भर सकते हैं। तो फिजिकल स्टैंडर्ड आपका क्या होना चाहिए, हाइट आपकी 157.5 सेंटीमीटर, सीना आपका 81, फुल्ली एक्सपेंडेड विथ ए मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखिएगा 5 सेंटीमीटर के फ्लाव के साथ में आपका सीना 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी अगर आप गरवाली, असामी, गोरखास वगैरह हो या ST वगैरह हो, तो आपको 5 सेंटीमीटर की इसमें छूट। अब देखिए, ये तो आपका हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड। अब आपका फिजिकल में क्या क्या आपका मांगा गया है, 1600 मीटर की जो है ना आपको वॉक करना है 15 मिनट में, मतलब 15 मिनट में 1600 मीटर चलना है आपको। देखिए, अगर आप आर्मी वगैरह की बात करो तो 1600 मीटर की जो दौड़ है यही करीब करीब 5 से 6 मिनट में जो है ना मांगते हैं, अगर ये आर्मी की बात हो गई, ठीक। अगर आप एयरफोर्स की बात करते हो तो 1600 मीटर की यही दौड़ करीब 7 मिनट के आसपास मांगते हैं, और आपकी यही 1600 मीटर करीब 15 मिनट में मांगी है, तो एक खूब सारा आपके पास टाइम है। और देखिए, दूसरा जो आपके पास है साइकिल, 30 मिनट में आपको 8 किलोमीटर साइकिल चला के दिखाना है, ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड हो गया पुरुषों के लिए। अब देखते हैं जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, उनके लिए आपकी हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, वजन आपका 48 किलो। आपकी हाइट में 2.5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी अगर आप गोरखाज हो, गरवाली हो, असामी हो या ST वगैरह हो, और वजन में 2 किलोग्राम की छूट मिलेगी। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं, आपको जो है ना 20 मिनट में 1 किलोमीटर आपको चलना है, और 25 मिनट में 3 किलोमीटर आपको साइकिल चलाना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, इसके बारे में हमने यहाँ पर देख ली। और सीना वगैरह गर्ल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। अब देखिए, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अगर आप CBI ज्वाइन करते हो, बड़ा नामी गिनामी ये जो है ना ऑर्गेनाइजेशन है CBI, हर किसी पर अपनी पकड़ रखता है, तो अगर आप सब इंस्पेक्टर CBI के लिए जा रहे हो तो आपके लिए हाइट होनी चाहिए इतनी, आपकी अगर आप फीमेल कैंडिडेट तो 150 चलेगी, और जो है ना अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो या आसामी वगैरह हो या हिल्स में, मतलब पहाड़ी एरिया के हो, तो 5 सेंटीमीटर का आपको छूट चलेगा। और चेस्ट आपका 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, और विजन मतलब देखना 6/6 आपका होना चाहिए, ठीक है। और देख लेते हैं, अगर आप नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ज्वाइन कर रहे हो HS सब इंस्पेक्टर, तो आपकी जो, अगर आप पुरुष हो तो आपकी हाइट 170
वुमेन के लिए 150, और रिजर्व कैटेगरी मतलब अगर आप एसटी हो और अगर आप हिली एरिया में रहने वाले हो, असमी वगैरह हो, गरवाली वगैरह हो, तो 5 सेंटीमीटर की छूट। सीना आपका 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। विजन मतलब कि नेत्र, देखने की क्षमता आपकी 6/6 होनी चाहिए। ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी तो हमने यहाँ से इसके बारे में देख ली। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखिए, इस बार बीआरओ की कोई वैकेंसी आई नहीं है। बीआरओ मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई वैकेंसी आई नहीं है, तो हम इसके बारे में, इसका मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। अगर आप डिटेल में जानना ही चाहते हो तो आप पीडीएफ देख सकते हो, मैं नीचे पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ ये जो छोटी सी बात है आपको क्लियर हो गई होगी कि किन किन बच्चों को आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट से गुजरना है और कब गुजरना है। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 के बारे में मोटी मोटी जानकारी मैंने बता दी है और इसका डिटेल वीडियो मैं चैनल पर डाल ही चुका हूँ, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और ये जो फिजिकल बताया मैंने, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, कोई नंबर इसमें नहीं मिलेंगे, आपको बस क्वालिफाई करना है। आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 तीनों के नंबर जोड़ के इसके आधार पर बनाई जाएगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखना चाहेंगे, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।